उदास उदास है। टोनू टोनू, इसका तबीयत ठीक नहीं है रे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, अभी अच्छा हूँ, क्योंकि 29 जुलाई को मैं वैक्सीन लिया था। और वैक्सीन लेने के बाद मुझे फीवर और वीकनेस ये सब हुआ था। वैक्सीन लेने के बाद ये सब साइड इफेक्ट आम बातें होते रहते हैं, लेकिन उस कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो आज है 3 अगस्त, टाइम हो रहा है 7:10। अभी मौसम मतलब पूरा ही पूरा लग रहा है जैसे बारिश होने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए 7:30 होने वाला, 7:10 हो रहे हैं और अभी धूप निकलना चाहिए। पूरा बादल छाया हुआ है, आज बारिश बहुत ही तगड़ा होने वाला है। पीछे देख रहे हैं नदी है और नदी का पानी आप देख रहे हैं पूरा अंदर चला गया। अब हमको, हम लोग कोई ख़तरा नहीं है, बाढ़ अब नहीं आ सकता, अब ऊपर वाले की मर्जी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो पिछले मंथ के वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि मंथ के लास्ट में कुछ सरप्राइजेज हैं। तो सरप्राइज़ ये है, वो सरप्राइज़ मेरे लिए है खासकर, क्योंकि मेरा ना टाटा स्टील में जॉब लग गया है, ऑफर लेटर आ चुका है। 5 तारीख का मेरा टिकट है और मैं 5 तारीख के शाम में मेरा ट्रेन है, मैं निकलूँगा। तो 6 को मेरा ज्वाइनिंग है, एक्चुअली 6 को पहुँचूँगा, 7 को ज्वाइनिंग है, 7 से मेरा जो भी है वर्क स्टार्ट होगा। तो ये एक बिग सरप्राइज़ था मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रहा था जॉब के बारे में और बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज मिला है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और मतलब बहुत दिन हो गया लॉकडाउन में बैठे बैठे, पूरा बोर हो गया था कि अब क्या हुआ कैसे हुआ। बहुत सारी परेशानियाँ थी दिमाग में, बहुत सारा बात चल रहा था, पटांग बातें भी आई थी दिमाग में कि पता नहीं क्या होगा, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन भगवान ने सुना और अच्छा जॉब टाटा स्टील से, अच्छा जॉब ऑफर लेटर वगैरह सब चीज़ आया, अप्लाई किया था मैंने। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है मेरे लिए। तो आज का दिन कुछ ऐसा होने वाला है कि बाइक है पंचर, उस दिन जो पंचर हुआ मुझे से हम लोग आए थे और तब से मैंने बनवाया नहीं उसको। तो आज मैं बाइक बनाऊंगा, सॉरी बनवाऊंगा, उसको उसको वॉश करूंगा और कुछ सामान लेके आने हैं साहेबगंज से, तो जाएंगे सामान लेके आएंगे और ऐसे ही कुछ दिन अपना चलने वाला है। तो बने रहे वीडियो में और इन्जॉय कीजिए मेरा वीडियो। और एक चीज़, मेरा वीडियो बहुत लोगों के पास पहुंचता है, उसमें से 29 या 30% लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और 70% लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, भाई का अभी अर्लियर है, स्टार्ट है और आगे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैं दूंगा आप लोगों को, तो सब्सक्राइब कीजिए। और आगे चल के बताऊँगा कि मैं कैसे जॉब मैंने लिया, टाटा स्टील कैसे जॉब मैंने पाया और जॉब के बाद फिर मैं कैसे जॉब जाता हूँ, टाइमिंग क्या है, सब चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो आप चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और भाई को सपोर्ट कीजिए। जब तक समझे वाला ये कांटी लागल था, ये सुन धीरे धीरे पंच हो रहा है। ये देखिए गाइस, अभी जैसा दिख रहा होगा, अरे फोकस फोकस, हाँ ये देखिए, ये कील, इसी कील की वजह से ये पंचर हुआ है। तो जाओ बच्चा, पता है कील कील अगर निकल जाएगा अभी तो पूरा टायर बैठ जाएगा, जाओ इसको निकलवा देना, ठीक है, याद करके। हाँ छोड़ दे, नहीं आएगा, नहीं आएगा। भालू कुमार यही है। अब बेटा खाना क्यों नहीं खा रहा है, आज उदास उदास है। टोनू टोनू, इसका तबीयत ठीक नहीं है रे। हाँ
सुन ना, इसका तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। पता है दिन भर कुछ नहीं खाया है। मुन्नू मुन्नू ए बिट्टू, कुछ नहीं खाएगा, ये सब कुछ नहीं खाएगा। क्या हो गया है क्या हो गया है? पता है इसका तबीयत ठीक नहीं लग रहा। देख रहा है कैसा सोया हुआ है। नहीं, हमको नहीं लगता इसका तबीयत ठीक है, क्योंकि आज दिन भर अंदर सोया हुआ था, रोटी दिए थे, नहीं खाया। हेलो, क्या हुआ? उठो तो, रखो गोद में, गोद में रखो, गोद में, गोद में, गोद में रखो, गोद में रखो, थोड़ा बाहर बाहर खेलाओ उसको, बाहर खेलाओ। वाह, रूम से निकलते कैसे सोया हुआ था, रूम से निकलते देखो कैसे हैं, बदमाश। नहीं, पहले दुबला हो गया ना। खाओ खाओ, घास खाओ। गाइस, अभी टाइम हो रहा है 5:45, यानी कि 6:45, और अभी तक ये लड़का लेके नहीं गया टायर, तो अभी तक गाड़ी वाड़ी बना नहीं है। और साहेबगंज भी जाना था, क्या नहीं बनेगा? अरे आएगा, कहा नहीं, उसको बोलो ना एक बार। अरविंदो का भाई घर है वो, अरविंद आ गया, अरविंद आ गया, अरविंद अभी वो कहाँ आया होगा? तो अभी तक गाड़ी का कोई काम नहीं हुआ है। देखो सुसु कर बदमाश सुसु करने के लिए सोचा हुआ था। आज साहेबगंज भी जाना था, साहेबगंज भी नहीं गया इसके वजह से। तुम छोड़ते भाग आता है। चल अब तुम घर रख देते ना, तो बहुत बदमाशी कर रहे हैं। तुमको जहाँ छोड़ते हैं वहाँ से भाग आता है तुम।